इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज की भी घोषणा। देखकर वो खिला गए पूरे साउथ अफ्रीका के टीम। तो बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि 5 वनडे मैचों का सीरीज जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो बात करेंगे दोस्तों जो कि इंडिया का जो कि फाइनल प्लेइंग 11 जो कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने चुन दिए हैं। तो कौन कौन से रहने वाले फाइनल प्लेइंग 11 और बात करेंगे दोस्तों इस प्लेइंग 11 को देखकर आपका दिल एकदम दहल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा फाइनल प्लेइंग 11 है। और वहीं बात करेंगे दोस्तों ये मुकाबला जो कि कांटे की टक्कर होने वाली मुकाबला है। तो बात करेंगे दोस्तों इस मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर को मतलब टीम से बाहर बैठाया जाएगा। तो बात करेंगे दोस्तों ये मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका में ही खेला जाएगा और इंडिया जो कि साउथ अफ्रीका टूर करेगी। तो इंडिया के लिए यह काफ़ी मतलब चुनौती भरी मुकाबला होने वाली है क्योंकि साउथ अफ्रीका काफ़ी कड़ी टीम है और काफ़ी टक्कर देने वाली टीम है जो कि वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की थी साउथ अफ्रीका। बात करेंगे दोस्तों क्या रहने वाली है इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11 तो सब बताएंगे दोस्तों और ये भी बताएंगे कि ये मुकाबला कब और कहाँ और कितने बजे से खेला जाएगा। तो बने रहिए वीडियो पर दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों ये मुकाबला जो कि जनवरी में खेला जाएगा और बात करेंगे दोस्तों ये मुकाबला जो कि बेल्टाउन स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। और इसी के लेकर भारत का जो कि पूरा फाइनल स्क्वाड आ गया है सामने और फाइनल प्लेइंग 11 रोहित शर्मा ने चुन दिया है। तो क्या क्या रहने वाले प्लेइंग 11 तो पहले नंबर पे सुमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों जो कि सुमन गिल काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। और उसके बाद रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि रोहित शर्मा सुमन गिल काफ़ी अच्छा जोड़ी बैठता है। दोनों काफ़ी खतरनाक लय में दिख रहे हैं और काफ़ी खतरनाक पारी खेलते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी कर लेते हैं तो विराट कोहली के लिए भी काफ़ी बड़ा चुनौती रहेगा। और बात करेंगे दोस्तों सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं जो कि इनको इंडिया का वनडे सीरीज में डेब्यू हो गया और टेस्ट में भी डेब्यू हो गया। तो सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे हिटर बल्लेबाज है। और बात करेंगे दोस्तों उसके बाद तो ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। ऋषभ पंत भी खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और काफ़ी हिटर बल्लेबाज, खाली उनको संयम रखना चाहिए और थोड़ा अच्छा से पारी खेलना चाहिए ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत जो कि खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों तो रियान पराग को टीम में एंट्री हो गया तो रियान पराग खेलते हुए नजर आएंगे। रियान पराग भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। और अगला बल्लेबाज की बात करें दोस्तों तो अपना रिंकू सिंह जो कि हिटर बल्लेबाज है और काफ़ी अच्छे फिनिशर है तो रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और बॉलिंग भी कर लेते काफ़ी अच्छा। उसके बाद अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। अक्षर पटेल भी काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर बल्लेबाज है, ऑलराउंडर को रहना जरूरी है टीम में तो अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों तो अपना जो कि दिल का धड़कन हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे जो कि वर्ल्ड कप का मतलब हीरो रहे थे तो हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। और बता दें दोस्तों गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव काफ़ी अच्छा गेंदबाज है और काफ़ी अच्छा गेंदबाजी करते हैं। और मोहम्मद सिराज जो कि फास्टर बॉलिंग में करते हुए नजर आएंगे तो मोहम्मद सिराज भी खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि मोहम्मद सिराज काफ़ी अच्छे मतलब गेंदबाज हैं। और वहीं बात करें दोस्तों उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह का भी टीम में एंट्री हो गया तो जसप्रीत बुमराह के लिए भी काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि दुनिया का सबसे नंबर वन गेंदबाज है। तो यहीं रहेगा फाइनल प्लेइंग 11 दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।